इसके अंदर जो भी कॉल है वो डायरेक्टर का होता है एंड ही इज टेकन अ कॉल कि मैं ऐसा लगना चाहिए एंड दैट्स इट. इसके अंदर सॉरी आपको मुझे इतनी अच्छी लगती है लेकिन इस फिल्म के अंदर नहीं है. इसके अंदर बहुत ही सिंपल रखा हुआ है जैसा मैं लगता हूँ. बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जैसा मैं लगता हूँ वैसा ही रखा हुआ है. उसका कारण ये है कि एक सोल्जर अपने हॉलीडे पे आता है बहुत मेहनत करने के बाद बॉर्डर पे काम करने के बाद और इधर आके रियलाइज़ करता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है जिनको कहते हैं स्लीपर सेल्स. और इस फिल्म के अंदर वो बताया जाता है कि स्लीपर सेल्स क्या है, क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं. और मैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से हूँ सो बकायदा जब मैं हॉलीडे पे हूँ लेकिन फिर भी दिमाग काम पे लगा हुआ है क्योंकि आई कैन सी समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन आवर सिटी. वेल या देयर इज वन सीन इन द फिल्म आई एम सपोज टू बी इन अ बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड मुर्गदास सर बिकॉज ही इज समबडी हु बिलीव्स इन मेकिंग थिंग्स लुक वेरी रियलिस्टिक ही वॉन्टेड द बॉक्सिंग ऑल्सो टू लुक कन्विंसिंग. So Akshay made me meet Vijender Singh and he showed me the basics of, you know, body language of a boxer, how I should throw a mean punch and just so that it looks convincing on screen, and I think it did eventually. ये इनकी 9वीं 10वीं फिल्म है एंड मैंने इनकी एक फिल्म देखी थी लुटेरा और मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका काम उस फिल्म के अंदर. खास करके बहुत सारी और फिल्में देखी लेकिन लुटेरा का मैं जानबूझ के बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एक हीरोइन जो फिल्मों में सिर्फ 9-10 फिल्में कर चुकी हैं और एक रिस्की काम था और इसे उस फिल्म को उठाना अपने शोल्डर के ऊपर और लेके जाना बहुत ही कमाल की बात थी. एंड आई ऑलवेज कीप अप टू इट कि इनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए उस फिल्म के लिए. मैं खुश हूँ कि लोग प्रोमोज और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि ये यू नो साफ नज़र आता है कि एक जिस तरह की फिल्में हमने की है उससे काफ़ी अलग है. ये एक एक्शन थ्रिलर है एंड आई डोंट नो आधी जंग जीत चुके हैं या नहीं वो तो फ्राइडे को ही पता फ्राइडे सैटरडे संडे को पता चलेगा. बट उम्मीद यही है कि जितना लोग प्रोमोस को अप्रिशिएट करें उतनी फिल्म को भी अप्रिशिएट करें क्योंकि ये वाकई में बहुत ही अच्छी बनी फिल्म है. जी देशभक्ति की बात इन द सेंस इट्स बहुत अलग हिसाब से बात. इसके अंदर कोई दो कंट्री के बीच में फाइट नहीं दिखा रहे. इसके अंदर एक यही बता रहे हैं कि हमारे बीच ही प्रॉब्लम है और हमें अपने बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए रादर कि हम किसी और देश के बारे में बात करें, किसी चीज़ के बारे में बात करें. और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्मी ऑफिसर आता है और उसके साथ काफ़ी और भी आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं. ये एक मुद्दा है जो मैं समझता हूँ बिट्टा साहब ने अगर ये बात कही है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसी फिल्म लोगों के पास टैक्स फ्री करके जाए ताकि कम पैसों में वो फिल्म हर इंसान ये फिल्म देख सके. बहुत बड़ी बात होगी अगर ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर इट.